Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. यूपी की एक बैंक में फिर एक बार साइबर ठगों ने सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हुए करोड़ों की रकम पार कर दी। बैंक कर्मचारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। हैकर बैंक का चैनल हैक कर 5 दिनों तक 84 बार ट्रांजैक्शन करते रहे। बैलेंस शीट मिलान के दौरान जब इस बात का खुलासा हुआ तो बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। मामला यूपी के नोएडा का बताया जा रहा है, जहां नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कर ठगों ने तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा का ट्रांसफर कर लिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बैलेंस शीट का मिलान किया गया। बैंक के आईडी मैनेजर ने तुरंत साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। जांच में पाया गया कि ठगों ने बैंक के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस चैनल को हैक कर लिया था। यह ठगी एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 84 बार की गई, और वह भी सिर्फ 5 दिनों में। हैरानी की बात यह है कि बैंक कर्मचारियों को इस घोटाले के बारे में भनक तक नहीं लगी। बताते हैं कि पुलिस अब बैंक प्रशासन के सहयोग से ठगी के खातों को सीज करने की तैयारी में है। आपको बता दें, यूपी में साइबर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम और पॉलिसी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन ऐसी खबरें निकल कर सामने आती हैं, जिसमें बताया जाता है कि साइबर ठगों ने बैंक का सर्वर हैक कर बैंक की धनराशि पार कर दी। बीते दिनों राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें गुजरात की एजेंसी के नाम पर एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की रकम पार कर दी गई थी। फिलहाल आइए सुनते हैं साइबर क्राइम नोएडा के एसीपी विवेक रंजन राय ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।